साथ मैं हूं निर्मला राव। शुरुआत करते हैं सुबह समाचार की खास सुर्खियों के साथ। राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन का चुनाव आज, वैभव गहलोत की जीत लगभग तय। पीओके के लोगों के सहारे पाकिस्तान अब एलओसी तक निकालेगा मार्च। एलओसी की गरिमा सुनिश्चित करे पाकिस्तान, कहा सेना ने। पाकिस्तान के बुलावे पर करतारपुर कॉरिडोर नहीं जाएंगे मनमोहन सिंह, कैप्टन अमरिंदर सिंह ने किया खुलासा। और अब खबरें विस्तार से। राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन का चुनाव आज हो रहा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे के सामने चुनाव लड़ रहे कांग्रेस नेता रामेश्वर डोडी का 3 जिलों से नामांकन खारिज होने के बाद वैभव गहलोत की जीत अब लगभग तय है। वैभव गहलोत के लिए राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के वोटरों को दिल्ली रोड पर एक रिसोर्ट में ठहराया गया था। वहीं कांग्रेस की अंदरूनी कलह को देखते हुए सवाई मानसिंह स्टेडियम में भारी संख्या में पुलिस तैनात की गई है। आरएसी में वोटर्स के अलावा किसी को भी अंदर जाने की इजाजत नहीं है। आपको बता दें कि विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी गुट की तरफ से वैभव गहलोत अध्यक्ष पद के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, तो वहीं रामेश्वर डोडी की तरफ से जोधपुर के राम प्रकाश चौधरी चुनाव लड़ रहे हैं। इसी तरह से उपाध्यक्ष पद के लिए बीजेपी नेता अमीन पठान के सामने पूर्व केंद्रीय मंत्री चंद्रेश कटोच के बेटे ऐश्वर्य कटोच चुनाव लड़ रहे हैं। दोनों ही गुट जीत का दावा कर रहे हैं, लेकिन रामेश्वर डोडी गुट के 3 जिलों की मान्यता रद्द होने की वजह से अब वैभव गहलोत की जीत तय मानी जा रही है। रोक लिया जाता है, उन पे लाठियां बरसाई जाती है, पुलिस बल जिस तरीके से प्रयोग कर रहे हैं, ये तानाशाही रवैया है, लोकतंत्र और प्रजातंत्र की कम्प्लीटली हत्या करने का जो काम कर रहे हैं, ये प्रदेश की सरकार कभी माफ नहीं करेगी और कभी इस बात को सहन नहीं करेगी। आपका अगला कदम क्या रहेगा सर? और मेरे को जो सुरक्षा मिली हुई है, सुरक्षा वालों को भी अंदर नहीं आने दीजिए। ये सारे के सारे इनके रचे रचा है खेल है, और इस तरीके से जो कर रहे हैं ये आपने कभी बात निश्चित हो, रात को 2:30 बजे लिस्ट जारी कर और पूरे 22 होकर किसको उड़ाना है, रामेश्वर डूडी का जिला नागौर उसको डिसिप्लिनेटेड कर दिया, क्योंकि हमारे जो जिला संघ थे उनको ये डर लग रहा था और उनको हारने का पूरा डर था, और उसी तहत ये साजिश रची गई और उस साजिश के तहत सारा का सारा काम। हम जब तक जो है ये फैसला आएगा, जब तक मैं ये कह रहा हूँ कि जब तक हम लड़ाई लड़ते रहेंगे, जब तक हमारे जिला संघ जो इन्होंने डिसिप्लिनेटेड किया है और जो इस संस्था से बाहर किए हैं, जिलों को जो है निकाला है, उन जिलों का कहीं कोई जो है कानूनी प्रक्रिया के तहत वो बिल्कुल आज स्टैंड कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद पाकिस्तान ने इस मसले को हर अंतरराष्ट्रीय मंच पर उठाने की कोशिश की, मगर उसे कहीं से कोई भाव नहीं मिला। ऐसे में अब वो पीओके के लोगों के सहारे एलओसी तक मार्च निकालने की तैयारी में है। पीओके के लोगों को मजबूर किया जा रहा है एलओसी तक आए और पाकिस्तान की हाँ में हाँ मिलाए। ये पाकिस्तान के ऑक्यूपाइड कश्मीर के लोगों की मजबूरी भी हो सकती है। फिलहाल पाकिस्तान वहां के स्थानीय लोगों के साथ मिलकर एक मार्च निकालने की तैयारी है जो एलओसी तक लाई जाएगी। यह मार्च पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर से नियंत्रण रेखा तक निकालने की तैयारी की जा रही है। सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान ने अनुच्छेद 370 पर कश्मीर में अशांति फैलाने के मकसद से यह तैयारी की है। भारत द्वारा जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा खत्म हो जाने के विरोध में पाकिस्तान अब मार्च निकालने की तैयारी कर रहा है। भारतीय सेना के सूत्रों ने कहा है कि पाकिस्तानी सेना पीओके में कश्मीरियों का इस्तेमाल हथियार के रूप में कर रही है और भारतीय सुरक्षा बल एलओसी पर किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार है। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह पाकिस्तान सरकार के निमंत्रण पर करतारपुर कॉरिडोर के उद्घाटन समारोह में हिस्सा लेने पाकिस्तान नहीं जाएंगे। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान जाने का सवाल ही नहीं उठता। मनमोहन सिंह पंजाब सरकार की ओर से आयोजित सर्वदलीय जत्थे में शामिल होंगे जो करतारपुर साहिब गुरुद्वारे जाएगा। उन्होंने साफ किया कि पाकिस्तान जाना और गुरुद्वारे जाने में बड़ा अंतर है। इसके साथ ही अमरिंदर सिंह ने मनमोहन सिंह के अलावा राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री मोदी को भी गुरदासपुर में डेरा बाबा नानक आने का न्योता दिया। साथ ही 12 नवंबर को कपूरथला में सुल्तानपुर लोधी में होने वाले मुख्य कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए भी कहा। सोमवार को पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने कहा था कि उनका देश मनमोहन सिंह को सिख समुदाय के प्रतिनिधि के तौर पर करतारपुर साहिब में होने वाले उद्घाटन समारोह में बुलाना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार में भले ही शिक्षा व्यवस्था दुरुस्त करने की बातें की जा रही हो, लेकिन शिक्षकों द्वारा शिक्षा अध्ययन कराने के बजाय छात्रों का ही उत्पीड़न किया जा रहा है और ऐसा ही मामला सरकार की मंशा पर फिर से पानी फेरता हुआ नजर आ रहा है।
जनपद संभल के थाना बनिया ठेर क्षेत्र के गांव नगला डबू में सरकारी जूनियर विद्यालय में शाली नाम की शिक्षिका और उसके पति द्वारा कक्षा 7 के छात्र रोहिताश की जमकर पिटाई करने का मामला सामने आया है। अध्यापिका ने छात्र की एक भी नहीं सुनी और पूरे मामले की जानकारी छात्र ने अपने पिता पप्पू सिंह को बताई, जहां पिता ने शिक्षिका से जाकर उसकी शिकायत की तो उसे भी धमकी देकर भगा दिया गया। इसके बाद बच्चे का मेडिकल एक्सरे करवाया गया, जिसमें बच्चे की गले की हड्डी टूट जाने का मामला सामने आया है, जिसके चलते बच्चे और अभिभावक ने पुलिस अधीक्षक संबल और जिलाधिकारी संबल को न्याय के लिए शिकायती पत्र देकर गुहार लगाई है। इस जानकारी के लिए लिखित जनपद के थाना अधिकारी और पुलिस अधीक्षक के साथ जिलाधिकारी को भी जानकारी देते हुए पिता पुत्र ने न्याय की गुहार लगाई है। अब देखने वाली बात है कि प्रशासन कितनी जल्दी शिक्षिका और उसके पति के खिलाफ कार्रवाई करता है। बस तुम बस ही नहीं उल्लम का आप। क्या नाम है आपका? मेरा पप्पू नाम है। क्या मामला हुआ है? मामला ये हुआ है साहब, नगरिया बल्लू सरकारी स्कूल है, उसमें मेरा बच्चा पढ़ने गया, कक्षा 7 में पढ़ गया है, और उसकी सहेली ने पिटाई करी। उसका बच्चा मतलब पिता पढ़ गया, ये रौदास आ गया, इसने चिल्लाया, वो रो गया, और इसकी फिर सहेली ने पिटाई करी, उसके पति ने पिटाई करी, गले की हड्डी गई टूट। कोई बात नहीं है, बच्चा घर आकर मेरे मुझ पर शिकायत करी, मैं लेकर पहुँच गया, मुझे 500 रुपये दे रही है, कह लो इलाज करा लो। तो कोई बात नहीं, मैंने कही मैं 500 रुपये मेरे कुछ ना होगा, तो मैं घर को चलाया, मुझे मुझसे बोले कि वो तू बच्चे को पढ़ा लेगा, तो मैं चलाया उठ के। फिर कहाँ शिकायत दर्ज कराई है? मैंने वहाँ संभल वहाँ कराई है, वहाँ भेज हुई। किसके पास कराई? डीएम साहब के यहाँ। कोई कार्रवाई हो पाई है अभी? क्या अभी कोई नहीं हुई है, आइए गले की हड्डी बाम आई है पतली में, टूट गई पतली। कोई एक्सरे वगैरह कराया गया? हाँ एक्सरे कराया है साहब, हड्डी टूटी आई है। किसान संघ के तत्वावधान में बकानी तहसील की विभिन्न समस्याओं के निस्तारण हेतु तहसील अध्यक्ष मनोहर सिंह चौहान के अध्यक्षता में बालाजी पार्क बैठक हुई। इस वाहन रैली के माध्यम से क्षेत्र के दोनों मुख्य मार्गों से होकर तहसील मुख्य मार्गों पर ये सारे लोग पहुंचे, जहां तहसील कार्यालय के मुख्य द्वार पर ताला लगे होने के कारण किसानों में रोष व्याप्त हो गया, जिस पर किसान संघ के जिला पदाधिकारियों ने किसानों को कहा कि वो शांति बनाकर रखें और रोष जताते हुए शांतिपूर्वक तहसील कार्यालय के बाहर ही बैठे रहने का फैसला लिया गया। इससे कुछ समय के लिए आवागमन भी बाधित हो गया। उच्चाधिकारियों से बातचीत के बाद तहसील के मुख्य द्वार का ताला खोला गया। इसके बाद किसानों द्वारा तहसील भवन के बाहर शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर कार्यवाहक तहसीलदार मदन गोपाल शर्मा को जिला कलेक्टर शालावार के नाम 7 सूत्रीय मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें अतिवृष्टि से खराब हुई खरीफ की फसल को बीमा क्लेम और जल्द करवाने, सरकारी ऋण दिलवाने और नए खाते खोलने, बिजली का बकाया बिल और मार्च तक बिजली के बिल माफ करने के साथ कृषि गौण मंडी में टीन शेड लगवाने, नानोर बढ़ाए और बकानी ग्राम पंचायत के 2018 को मुआवजा दिलाने आदि मांगों के माध्यम से ज्ञापन रखा। इस दौरान भारतीय किसान संघ जिला अध्यक्ष रघुनाथ सिंह, जिला उपाध्यक्ष मनोहर सिंह राठौर, जिला महामंत्री राधेश्याम गुर्जर, तहसील प्रभारी किशन पाटीदार, तहसील मंत्री नानू राम लोधा, युवा प्रमुख किशन भील, प्रचार प्रमुख रामलाल, कमलेश गुर्जर, बालू सिंह चौहान, पग डांगी, संपत राज, गोकुल डांगी और कई कार्यकर्ता और हजारों की संख्या में किसान मौजूद रहे। ज्ञापन इसलिए दिया है कि किसानों की सोयाबीन, उड़द, मक्का, मूंगफली, ज्वार जो भी फसल बोई थी वो सब चौपट हो चुकी है और किसान आज की तारीख में रोड पे खड़ा है। किसान इतना परेशान है, मवेशी के चारे के लिए परेशान, और फसल 100% नुकसान हो चुका है। हम बीमा कंपनी से भी निवेदन करते हैं कि जल्दी से जल्दी बीमा कंपनी का मुआवजा डालने का व्यवस्था करें, और गवर्नमेंट से भी निवेदन करते हैं कि जल्दी से जल्दी किसानों को मुआवजा दिया जाए। खराब हुआ लगभग आपके? ये हमारी तरफ से 100% नुकसान है। तो प्रशासन कितना परसेंट मान रहा है इसको? अभी तहसीलदार साहब से बात हुई है, वो अब पहले जो करवाया था वो 60% था, अब कह रहे हैं हम 70% दे देंगे, क्योंकि 4 दिन से रेगुलर बारिश हुई है, उसमें जो फसलें जो बची हुई थी वो फसलें सारी चौपट हो चुकी है, इसलिए 70% के लिए बोल रहे हैं कि हम 70% खराबा आपका भिजवा देंगे ऊपर। ऐसी मेरी तहसीलदार साहब से बात है। यहाँ के कोई अधिकारी खेत पे जाके मतलब देख नहीं रहे वहाँ पे? अधिकारी अभी तक कोई खेत पे नहीं गया,
ना कृषि मंत्री झालावाड़ का दौरा किया, खेत की बात तो दूर है, झालावाड़ जिले में प्रवेश नहीं किया उसने। क्या ये सही मुआवजा दे पाएंगे? मेरे को तो गवर्नमेंट की नियत में ही खोट है, अगर वो दे देती तो इतने दिन अपना नुमाइंदा वहाँ यहाँ भेज देती। ये समस्या झालावाड़ में नहीं है, झालावाड़, बारा, बूंदी, कोटा और आज कोटा में भी सारे काश्तकार रोड के ऊपर। अगर पूरा मुआवजा नहीं मिला तो आप आगे क्या कदम उठाओगे? ऐसा है कि अगर हमारे को 15 तारीख तक अगर गवर्नमेंट से जवाब नहीं मिलता है तो 16 तारीख को हमारी बैठक है, प्रतिनिधि मंडल की बैठक है, और उसके बाद में हम निर्णय ले लेंगे। सिर्फ हमको तारीख तय करनी है कि कौन सी तारीख को आंदोलन करना है, बाकी हमारी पूरी समिति। हेलो फ्रेंड्स, अगर आप में है टैलेंट सिंगिंग का, डांसिंग का, या हो कोई अनोखा टैलेंट, तो उठाइए अपना फोन, कीजिए रिकॉर्ड और भेजिए हमें आपके स्क्रीन पर दिए हुए इस नंबर पर, या फिर आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है